हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत शानदार और ज़बरदस्त होंगे। अब आप सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। जिन बच्चों का टारगेट है एसएससी सीजीएल 2024, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल वैकेंसी 17,727, यानी बहुत ही ज़बरदस्त और बम्पर भर्ती आप लोगों के लिए आई हुई है। तो हर एक चीज़ को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आपको बस शुरू से ले कर अंत तक बने रहना है। और बाकी जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेहतरीन और शानदार तरीके से। अगर मैं आप सभी लोगों को जैसा यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का जो डेट है, यानी जो फॉर्म का डेट है, वो आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा? 24 जून 24 जून से 24 जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस बात का ध्यान देना, यानी आप सभी लोगों को एक महीने का वक्त दिया गया है। लास्ट डेट भी आप लोगों का, देखिए लास्ट डेट तक बिल्कुल भी आप लोगों को इंतजार नहीं करना है। इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। और आप लोगों का देखिए जो एग्जाम होगा, ये टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर वन, आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होता है सितंबर से अक्टूबर में 2024। सितंबर से अक्टूबर के बीच में आप लोगों का प्री का एग्जाम होगा, टीयर वन होने वाला है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये देखिए टेंटेटिव शेड्यूल है, आगे बढ़ घट भी सकता है, इस बात का ध्यान देना। टीयर टू का जो आप लोगों का एग्जाम है, ये दिसंबर में होगा, इस बात का ध्यान देना। यानी सितंबर अक्टूबर में प्री, इस बार मेंस का भी डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे उसके बाद। हाँ, आगे एक एक चीजों को आप सभी लोग ध्यान से समझते चलिएगा। हाँ, हर एक बातों को आप लोगों को ध्यान से समझना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, 109 पेज का पूरा एसएससी ने जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए यहाँ पे अगर मैं आप सभी लोगों से यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जैसा कि नेम आप पोस्ट देख सकते हैं, अगर पे लेवल आपका 7 है, देखिए पे लेवल आपका 7 है, तो आपकी आपको देखिए सैलरी कितना मिलेगी, 44,900 से 1,42,400। इसमें देखिए असिस्टेंट ऑफिसर है आप लोगों का, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 20 से 30 साल, 18 से 30 साल, ये आप लोगों की एज यहाँ पे दे रखा है। ये यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रखा है, एज। क्लियर, हर एक चीज को देखिए ध्यान से समझते चलिए। मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, यूनिक क्लासेस 73 73 डालेंगे, तो वहां पे सारी चीजें आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। ये पे लेवल 5 के लिए है। हाँ देखिए, ये पे लेवल 5 के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी 29,200 से 92,300 तक है, जिसमें ऑडिटर वगैरह पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पे लेवल 4 की बात करते हैं तो 25,500 से 81,100 है। क्लियर है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट वगैरह है, यहाँ पे इनकी एज भी दे रखा है इनके सामने, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। बातें क्लियर हो गई, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई है। और देखिए मैं आप लोगों को जो अभी वैकेंसी की जिक्र किया था, यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई देखिए टेंटेटिव वैकेंसी है, इस बात का ध्यान देना। कैसी वैकेंसी है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है। हाँ, अप्रोक्सीमेशन 17,727 वैकेंसी यहाँ पे आप लोगों के लिए दे रखा है। कितना है टोटल? 17,727 वैकेंसी है, इस बात का ध्यान देना। वो भी जोन वाइज वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। क्लियर है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बाकी आपको पता है कि आप इंडिया के नागरिक हैं। हाँ, आप बाकी आपको पता ही है कि नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये बातें यहाँ पे समझ चुके हैं। अब देखिए एज लिमिट, आप लोगों की जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, 18 से 27 साल दिया है यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों के लिए ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट, यानी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सारी चीजें जैसा कि दे रखा है। क्लियर है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अभी मैंने एज रिलैक्सेशन की बात किया, एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, यहाँ पे सारी चीजें ये दे रखा है। क्लियर है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी चीजें ये देख सकते हैं। हाँ, बेहतरीन और शानदार तरीके से आगे। अब उसके बाद हम आप लोगों से यहाँ पे बात करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये कैसे बहुत ही बड़ा आप लोगों को नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही है। अब ध्यान से समझते चलिएगा हर एक चीज़ को, जो इम्पोर्टेंट बातें रहेंगी वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। हाँ, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं।
हाँ, बाकी मैं आप लोगों का, देखिए सिलेबस वही सेम है जो पहले सिलेबस था, आप लोगों का सिलेबस सेम वही है, इस बात का ध्यान देना। जैसे यहाँ पे आप दिया है जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर, जो JSO देने वाले हैं उनके लिए ये सारी कंडीशन दे रखा है, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। स्टेटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए है ये है, हाँ ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया है। ऑल अदर पोस्ट के लिए है, क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, ये कंडीशन आपको ध्यान देना है। सबसे पहले वन टाइम आप लोगों का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे जैसा कि दे रखा है कि हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, क्लियर है? यहाँ पे सारी चीज़ें दिया है, ये आप लोगों की देखिए SSC की वेबसाइट है, कोई भी चीज़ जानना है तो आप लोगों को SSC.gov.in पर जाना है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपका, यहाँ पर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा OTR, इसको आप लोग जरूर बना लीजिएगा। बाकी फ़ोटो वगैरह में आप देख सकते हैं कि फ़ोटो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सब कुछ फ़ोटो के बारे में बताया गया है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए, क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे बेहतरीन तरीके से। हाँ, अप्लीकेशन फ़ी कितना है, आप लोगों को पता है कि हमेशा SSC कितने रुपये लेती है, 100 रुपये, 100 रुपये लेती है, तो वो 100 रुपये लेगी, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये बात आप लोगों की सही है। आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, मैं हर एक पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्लियर है? उसके बाद अगर हम आगे आप लोगों से यहाँ पे बात करेंगे, हाँ जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे बनाया गया है, ये भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। हाँ, आप लोग ये समझ लीजिए ये सारा आपका क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर है, भागलपुर मुजफ्फरपुर SSC रीजन एंड स्टेट के लिए है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं बेहतरीन और शानदार तरीके से। हाँ, ये आप लोगों का यहाँ पे सेंटर दिया गया है, क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसको बहुत आराम से आप देख लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा आप लोग नोटिफिकेशन, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, क्लियर है? उसके बाद एग्जामिनेशन देख सकते हैं, टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये बातें सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर बात आती है आप लोगों का, देखिए आपका क्या है, यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएगा, टोटल 50 मार्क के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क के रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ 25 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे, और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 1 घंटा समय रहेगा, इस बात का ध्यान देना, और माइनस मार्किंग जैसा कि पता है कि SSC कितना रखती है, 1/4, क्लियर है? 1/4 निगेटिव मार्किंग रहती है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर विल बी, यहाँ पे देखिए दिया भी गया है कि आप सभी लोगों को दिया है, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी 1 क्वेश्चन के लिए 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा, मतलब 1/4, 2 का 1/4 कर दोगे कितना हो जाएगा, 0.5 आएगा, क्लियर है? उसके बाद देखिए ये टीयर 2 के लिए अगर हम आप सभी लोगों से बात करते हैं, तो देखिए टीयर 2 में आपका सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 1 पेपर 1 की हम आप लोगों से यहाँ पर बात करते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग मॉड्यूल 1, क्लियर है? मॉड्यूल 1 आप लोग देख सकते हैं कि आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज होगा, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होगा, टोटल 30-60 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन 3 मार्क के रहेंगे, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? 1 घंटा आप लोगों को यहाँ पे समय मिलेगा, क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ तक बातें हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड सेक्शन में आपका इंग्लिश कम्प्रीहेंशन होगा और जनरल अवेयरनेस होगा, क्या क्या होगा आप लोगों का, देखिए इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस, टोटल देखिए 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 210 नंबर के यहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बाकी कंप्यूटर आप लोगों के 20 क्वेश्चन पासिंग मार्क के लिए रहेंगे, 20 60 15 मिनट इसके लिए आप लोगों को टाइमिंग दिया जाएगा, क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। बाकी ये जो बच्चे आप देने वाले हैं स्टेटिक्स 100 क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन 2 मार्क का, यानी 2 नंबर का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? हाँ, देखिए
देखिए स्टेटिक्स जो बच्चे लेंगे उनके लिए भी बेहतरीन तस्वीर, हाँ बहुत सारे बच्चे लेते हैं उनके लिए भी शानदार है। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉड्यूल फर्स्ट मैथमेटिकल एबिलिटीज है, मॉड्यूल सेकंड में क्या क्या सारी चीज़ें आती है ये आप लोगों का सिलेबस है। अब देखिए रीजनिंग में आप लोगों से क्या क्या पूछा जाता है ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये सारी चीज़ें हम लोग आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर बात करूँ, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर दिया गया है, हाँ बाकी देखिए सिलेबस सेम वही है, हाँ सिलेबस सारी चीज़ें वही है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ ये सिलेबस टीयर वन का है। देखिए टीयर वन का सिलेबस है, आप लोगों के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, देखिए आप लोगों के एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हाँ ये सारा देखिए कोडिंग डिकोडिंग है, नॉन वर्बल सीरीज है, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन है, सिलालिज्म है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ ये रीजनिंग का सिलेबस है, क्लियर है। उसके बाद देखिए ये आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का भी सिलेबस देख सकते हैं क्या क्या आप लोगों के एग्जाम में हाँ यहां पे पूछा जाएगा, जैसा कि देख लीजिए। हाँ उसके बाद देखिए मैथ में आप लोगों के एग्जाम में यहां पे क्या क्या पूछा जाता है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हाँ मैथ में देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर पूछी जाएगी, क्लियर है। हाँ मैथ में भी सारी चीजें आप लोग समझ लीजिएगा, ये आपका मैथ का सिलेबस है, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। हाँ जैसा कि राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमी स्फीयर, सर्कल, राइट प्रिज्म, यानी सारा सिलेबस आपको कंप्लीट वही पढ़ना है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो ये आप लोगों का सिलेबस है, हाँ ये आप सभी लोगों का सिलेबस है, ये इंग्लिश का सिलेबस है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर हो गई बातें। बाकी ये अलजेब्रा वगैरह आप लोगों के एग्जाम में मेंसुरेशन है, स्टेटिक्स प्रोबेबिलिटी, देखिए स्टेटिक्स प्रोबेबिलिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। यहाँ पे जैसा कि ये मॉड्यूल सेकंड का सिलेबस है, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, बाकी इसके पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, क्लियर है। तो चलिए ये सारी चीज़ें आप सभी लोग देख लीजिएगा, बाकी फोटो वगैरह ध्यान देंगे, टोटल 109 पेज का है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। फोटो वगैरह कैसे लगाएंगे ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, क्लियर है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, थैंक यू।